नमस्कार दोस्तों, आपने अभी जब कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है तो हर्ड इम्यूनिटी ये टर्म काफ़ी बार सुनी होगी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कुछ देश जैसे स्वीडन अपने देशों में उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया है और वो हर्ड इम्यूनिटी की रणनीति पे काम कर रहे हैं, तो ये हर्ड इम्यूनिटी कैसे कोरोना वायरस के खिलाफ आपको प्रोटेक्ट करती है। तो इसके पहले आपको हर्ड इम्यूनिटी क्या है ये समझना पड़ेगा। अगर समझो कोई पॉपुलेशन में 60-70% लोग अगर कोई इन्फेक्शन से या वायरस से वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनमें वो बीमारी हो जाती है और उससे जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनके शरीर में ये वायरस या इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की प्रतिकार शक्ति आती है, तो इनको फ्यूचर में वो बीमारी नहीं हो सकती। अभी जो बचे 30-40% लोग हैं उन लोगों के शरीर में इसके खिलाफ प्रतिकार शक्ति नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उनसे वो सराउंडेड है तो उन लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा और जो एपिडेमिक है, जो ये वायरस तेजी से फैल रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो कितने परसेंट पॉपुलेशन को अगर इन्फेक्शन हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी में तैयार हो जाएगी, ये डिपेंड करता है वो वायरस के रिप्रोडक्शन रेट पे। जैसे मीजल्स जो वायरस है वो एक आदमी से करीबन 12 लोगों को होता है, तो इसमें 90% लोगों को अगर ये इन्फेक्शन हो गया या वैक्सीन देके उनके शरीर में इम्यूनिटी है तो जो बचे 10% लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन मिली है उन लोगों से वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन रेट 2.5 से 3 माना गया है, मतलब एक आदमी को अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो वो 2 या 3 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है। तो इसे कैलकुलेट किया गया है कि अगर कोई पॉपुलेशन पे मोर देन 60% लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनको आगे चलकर इसके खिलाफ उनके शरीर में प्रतिकार शक्ति आ जाएगी और जो तेज़ी से वायरस फैल रहा है वो बंद हो जाएगा। और जो बचे 40% लोग हैं उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो भी कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं है, इसकी वजह से उनको भी ये इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अभी नेचुरल इन्फेक्शन से, मतलब किसी को अगर ये इन्फेक्शन हो जाए इनकी वजह से उनके शरीर में इम्यूनिटी आ जाएगी, तो उसके लिए उनको इन बीमारी से गुजरना पड़ेगा। तो ये लोग जब इस बीमारी से गुजरते हैं तो उनके शरीर में इसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कुछ लोगों को आईसीयू में एडमिशन करना पड़ सकता है। कोविड-19 के बारे में कहा गया है कि 80% लोगों में सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं और जो 20% लोग हैं उनमें ज़्यादा लक्षण रहते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो 5% लोग हैं उनको आईसीयू की एडमिशन पड़ती है और 2 से 3% लोगों की जान भी जा सकती है। तो हमने नेचुरल तरीके से ये इन्फेक्शन फैलने दिया तो सोसाइटी में जो इससे लोग जान गंवा बैठेंगे उनकी संख्या काफ़ी अधिक होगी। तो इसके वजह से जो देश जैसे स्वीडन, अपने देश में उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया है, वहाँ रेस्टोरेंट्स खुले हैं, पार्क्स खुले हैं, लेकिन ये वायरस वहाँ तेज़ी से फैल रहा है और लोगों की भी जाने भी जा रही है। अभी हमारे पास अगर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन है तो ये वैक्सीन हमने 60% लोगों को दी तो वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे और उनके शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने की प्रतिकार शक्ति आ जाएगी। तो अभी कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी वैक्सीन्स लास्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं, तो हमें वैक्सीन के आने तक इंतज़ार करना चाहिए और वैक्सीन से जो इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी, मतलब 60-70% लोगों को वैक्सीन देने के बाद सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी और ये वायरस फैलना बंद हो जाएगा। तब तक बेटर यही रहेगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोएं, इसके अलावा बाहर जब निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों से आपके मुंह, नाक और आँखों को टच करना अवॉइड करें। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल हो और वो करीबन अगर 60-70% लोगों को मिल जाती है तो सोसाइटी में सेफ तरीके से हम हर्ड इम्यूनिटी ला सकते हैं और जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है उसको हम रोक सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।
धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर मोरिज हेल्थ टिप्स टू गेट ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट मेडिकल टॉपिक्स। ऑल्सो प्रेस बेल आइकॉन बटन एंड सेट इट ऑन ऑल टू गेट नोटिफिकेशंस रेगुलरली।